हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास है ये बोट का एयरपोर्ट ठीक होने के लिए आया हुआ दोस्तों। तो आज इसको ठीक करेंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या आ चुकी है दोस्तों, ये प्रॉब्लम तकरीबन सभी बोट के जितने भी एयरपोर्ट्स आ रहे हैं सभी के अंदर आ रही है दोस्तों। तो ये कई बार ठीक भी हो जाती है और कई बार ठीक भी नहीं होती दोस्तों। तो इसमें आपको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आपको देख रहा होगा, एक में तो लाइट जल रही है और एक जो बर्स है उसमें लाइट नहीं जल रही है। तो मतलब कि एक वाला इसका ख़राब हो चुका है, तो उसी को हमें खोलना है और देखेंगे खोल के वो ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो वीडियो कम्प्लीट देखना दोस्तों, तो काफ़ी अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों। आपको भी काफ़ी जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगी इससे देखने से। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए एक में तो लाइट जल रही है आपको दिख रहा होगा, अगर एक में लाइट नहीं है तो ये जो ठीक है इसको इसके अंदर रख देते हैं और जो ख़राब है उसको निकाल के खोलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर क्या प्रॉब्लम होगी। तो आप वीडियो कम्प्लीट देखना, तभी आपको पता लगने वाला है दोस्तों। तो इसको हम कैसे खोलेंगे और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हम इसके आगे से ये खोलना है जो आगे का ज्वाइंट दिया जाता है। इससे क्या होगा कि इसके अंदर बैटरी है, स्पीकर है, तो हम उनको चेक कर सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो देखिए इसमें खोलते ही आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देखिए बैटरी इसकी निकली पड़ी है। तो मतलब कस्टमर ने इसको खोल के पहले ही चेक कर रखा है, या जिस भी दुकानदार से हमारे पास आया है तो उसने पहले ही चेक कर रखा है थोड़ा बहुत। तो अब इसको क्या करते हैं, खोल लेते हैं एक बार, बैटरी को चेक कर लेंगे बैटरी के अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है। अगर बैटरी के अंदर कम वोल्टेज होगी तो दूसरी बैटरी लगा के चेक कर लेंगे दोस्तों, या इस बैटरी को ही चार्ज करके देख लेंगे। तो अब इसको हमने चेक कर लिया, देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरी बैटरी लगाई है पर ये अभी भी कोई काम नहीं कर रहा, कोई लाइट वगैरह नहीं इसके अंदर आ रही है। तो अब हम करना क्या है इसका दोस्तों, देखिए तो इसको हमें अंदर से और खोलना पड़ेगा। इसकी प्लेट कैसे निकलेगी ये दिखाते हैं अब। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेट दी गई है, तो इसकी प्लेट को हमें निकालना है बाहर और सेफली निकालना है दोस्तों, बिना तोड़े बिना ख़राब किए। तो फटाफट इसको निकाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे तरीका है इसको निकालने का दोस्तों। तो आपको क्या करना, क्या चिमटी लेनी है दोस्तों, चिमटी से ऊपर वाली जो ये प्लेट दी गई है प्लेट को ऊपर से नीचे की तरफ दबाना है। इससे क्या है धीरे धीरे खुलनी स्टार्ट हो जाएगी, और हो सके अगर ज़्यादा हार्ड हो तो ये जो हमने भी अभी कैप इसकी उतारी है तो यहाँ पे हल्के हल्के हिट कर लेना दोस्तों। हिट करने के अगर अंदर कोई गम लगी होगी तो आराम से खुल जाएगी और नरम हो जाएगी और ये बिल्कुल आराम से निकल जाएगी। देखिए दोस्तों ये इतनी प्लेट बाहर आ चुकी है, और देखिए इसके ऊपर लगा हुआ है पानी, काफ़ी पहले पानी लगा था दोस्तों जो कि सूख चुका है काफ़ी। और ये सूखता है तो उसके बाद ही ख़राब होता है दोस्तों, जब अगर लिक्विड इसके अंदर चला जाएगा तो जब तक वो गीला रहेगा तो तब तक वो ख़राब नहीं होगा। जब वो धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाएगा, कार्बन आना स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर ये ख़राब हो जाता है दोस्तों। तो देखिए अब इसमें करना क्या है कि हमें एक बार इसकी जो बैटरी और स्पीकर की तार है इन दोनों को हटा के इसको प्लेट को पूरी को बाहर निकाल के वॉश करके देखते हैं। देखिए दोस्तों ये तो इसको हम निकाल लेते हैं दोबारा फिर वापसी। तो हमने इसकी बैटरी वगैरह की तारें सारी हटा दी हैं, तो देखिए प्लेट बिल्कुल सिंपली आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं इसकी। तो आप कमेंट करके बताना दोस्तों, ये मॉडल कौन सा है, बोट 131 है 138 है, कौन सा मॉडल है दोस्तों, कमेंट करके बताना मेरे को। बाकी इसको देखिए यहाँ पे इसके माइक और लाइटों के ऊपर भी ये टेप लगा रखी है होम वाली, तो इसको अपना निकाल लेंगे यहाँ से बाहर। और देखिए तो इसमें काफ़ी कार्बन आई हुई है, तो हम क्या करेंगे तो इसको एक बार वॉश करते हैं अच्छी तरह, वॉश करके देखेंगे क्लीन करके ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो फटाफट वॉश कर लेते हैं इसको यहाँ से। तो देखिए अब इतना है, हमने इसको वॉश कर लिया है, काफ़ी पहले से काफ़ी सारा कार्बन साफ हो चुका है, लेकिन अभी भी इसके अंदर दिक्कत है क्योंकि इसमें सही तरह हमने इसको दोबारा कनेक्ट करके देखा लेकिन चला नहीं। तो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं कनेक्ट करके, इसमें लाइट आएगी नहीं आएगी बैटरी वगैरह लगा के। तो देखिए दोस्तों हमने सीधा डायरेक्ट ऐसे ही प्लेट के ऊपर यहाँ पे बैटरी और स्पीकर लगा लिया है खाली इसको चेक करने के लिए बिना फिट किए, ताकि हम इसको अच्छी तरह चेक कर सकें इसमें अंदर क्या प्रॉब्लम आई हुई है। तो देखिए हमें इसके काफ़ी चीज़ें में हैं जो कि कार्बन आई हो चुकी है, तो हमने इसको वॉश भी अच्छी तरह कर लिया है लेकिन फिर भी कोई चालू नहीं हो रहा है दोस्तों ये। और बैटरी भी हमने इसकी चेंज करके देख ली, बिल्कुल जो फुल चार्ज बैटरी थी वो डाल के देखी है दोस्तों, जिसमें 4.9 दिखा रहा था वो बैटरी डाली है इसमें बिल्कुल, लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो रहा है। ये बटन वगैरह भी हम दबा के देख रहे हैं, काफ़ी देर तक दबा के भी रखेंगे तो भी इसमें कोई ब्लिंक नहीं कर रही है लाइट, तो जल भी नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे इस पर दोस्तों, थोड़ी हल्की हल्की हीट करेंगे पेस्ट लगा के। पेस्ट लगाने से क्या होगा, जो इसके जो पॉइंट होंगे जो आपस में मान लो क्या होता है कि कार्बन आने से क्या अगर वो उखड़ जाते हैं तो दोबारा जब हीट करते हैं तो पिघलने से दोबारा फिर आपस में मिल जाएंगे, तो इसी तरह आपको करना है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे काफ़ी ब्लैक हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कंटिन्यूटी भी चेक की थी लेकिन वो कंटिन्यूटी आ रही थी, एक पॉइंट पे आ नहीं रही थी। वहाँ पे हमने जंपर भी लगा के देखा लेकिन वो फिर भी वर्क नहीं कर रहा था। तो अब लास्ट में यही चाह रहा है कि इस पर हम हिट करके देखें पेस्ट लगा के, अगर उससे चल जाता है तो ठीक है दोस्तों, अगर नहीं चलेगा तो फिर इसके साथ कोई सेम आएगा तो उसमें से प्लेट निकाल के उसमें से कंटिन्यूटी सारी एक हर एक चीज़ की कंटिन्यूटी चेक होगी, जितने भी इसके पॉइंट वगैरह हैं जो ख़राब हो रहे होंगे वो चीज़ चेक होगी। तो फटाफट एक बार इसको चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हिट मार के दिखाते हैं आपको कैसे हिट कर सकते हैं इसमें। आपको बाकी दिख रहा होगा देखिए आईसी भी काफ़ी कार्बन आया हुआ है, तो हमने साफ़ करने के बाद भी लेकिन ये साफ़ नहीं हुआ। तो इसको कोशिश तो यही करेंगे चलाने की, बाकी आप वीडियो कम्प्लीट देंगे दोस्तों, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा देखिए दोस्तों,
तो इसको फटाफट हम हीट करते हैं। तो हीट करने से पहले आपको बैटरी के तारों को हटा देना या से बैटरी को रिमूव कर देना, नहीं तो ये बैटरी भी ख़राब हो सकती है। कई बार क्या होता है जब आप इसमें कोई पॉइंट मिलेगा तो वहाँ से शॉर्टिंग हो सकती है, तो बैटरी में करंट होगा तो अंदर प्लेट और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, बाकी ख़राब तो है ही है। तो देखिए यहाँ पे हमने पेस्ट लगा लिया, तो यहाँ पे हमें हीट करना है हल्का हल्का। हीट करने से क्या होगा, जो नीचे के जो पॉइंट होते हैं वो थोड़े पिघल के आपस में मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो अगर अलग हो रहे होंगे तो कार्बन लगने के कारण। तो देखिए अब इसको ऐसे ही हीट कर लेना है, तो इस साइड से कर लेंगे। और फिर हमें करना क्या है दोस्तों, जब यहाँ से थोड़ा ठंडा हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर पीछे की साइड भी है जो इसके छोटे छोटे कंपोनेंट हैं उन पे भी हमें ऐसे ही पेस्ट लगा के हीट कर लेना है, ताकि यहाँ से भी ये और पीछे से भी सही तरह हीट हो सके, और जो कंपोनेंट वगैरह है उसके लूजिंग हो रहे होंगे या किसी भी कार्बन आई होगी तो उनको भी हम अच्छी तरह ठीक कर सकेंगे। तो देखिए इस साइड भी जैसे कि ये कार्बन लग गया हुआ है, तो इस पर भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हीट लगा लेंगे, ये पेस्ट लगा लेंगे, पेस्ट लगा के हीट करेंगे। तो यहाँ पे भी अगर थोड़ा बहुत कोई पॉइंट उखड़ा होगा तो वो भी बिल्कुल सही तरह होता चला जाएगा। तो फटाफट यहाँ पे भी हीट लगा के करते हैं पेस्ट लगा के। तो दोस्तों कमेंट करके बताना आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देखते हैं, मेरी आपको वीडियो कैसी लगती है दोस्तों। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किया, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। और जैसी मुझे रिपेयर आती है, जितनी मैं रिपेयर कर सकता हूँ मैं उतना ही आपको सिखाता हूँ दोस्तों, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं सिखा सकता। जब मुझे पता लगता है कि इस चीज़ को ऐसे ठीक करते हैं तो मैं आपको कोशिश करता हूँ वैसे सेम दिखाने की। और जितनी चीज़ें मेरे पास रिपेयर होने के लिए आती है मैं सारी उन्हीं चीज़ों की वीडियो बनाता हूँ जो मैंने पहले ना बना रखी हो और जो आपके काम आ सके। तो आप वीडियो कंप्लीट देखा करें दोस्तों, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही। तो देखिए यहाँ से हमने हीट कर लिया है और इसको हमने अच्छी तरह सुखा भी लिया, तो इसको क्या करेंगे एक बार वॉश कर लेंगे सही तरह। वॉश करने से क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पेस्ट वो ऊपर की लगी होगी वो सही तरह साफ़ हो जाएगी। तो देखिए ये साफ़ हो चुका है यहाँ से, तो हमने इसको फिट भी कर लिया दोस्तों। लेकिन फिट करने के बाद भी ये चला नहीं, क्योंकि नहीं इसके अंदर प्लेट में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम रह चुकी है, या तो इसकी आईसी वगैरह में दिक्कत होगी। तो अब वेट करेंगे कब तक इसके साथ का कोई दूसरा एयरबड्स आता है, तो ताकि हम उसको खोल के इसकी प्लेट से कंटिन्यूटी चेक कर सकें, क्योंकि ये उन्होंने वापसी भेज दिया, कंपनी में भी गया था ये दोस्तों ये ठीक होने के लिए, लेकिन वहाँ से भी ये वापसी आ गया, क्योंकि उन्होंने वाटर डैमेज के उसमें वापसी भेज दिया ये। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।